तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली भाई अपने लोकेशन पे आ गए हम। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉन्स ऑफ लिविंग इन पोलैंड। प्रोस तो नहीं बताएंगे, काफी कौन सी बताएंगे। सेंसेशनल वीडियो हो सकती है। आज इतनी प्यारी लोकेशन पे हम जा रहे हैं ना, मतलब क्या लोकेशन है देखिए आप। ये एक डैम है प्रॉपर और इस तरह पूरी नदी बह रही है। और इधर भाई साईं भाई चल रहे हैं आगे, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हैं। सब नहीं चलेगा। वाओ भाई, यहाँ पता नहीं कौन सा जानवर है, ये बार बार ऊपर आ रहा है। अरे भाई, सो गाइस आपके लिए मैं इतनी प्यारी लोकेशन पर आया ना, आप तो यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा भाई। अभी तो आए हैं पर अभी जाएंगे नहीं। तो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉन्स ऑफ लिविंग इन पोलैंड। मतलब पोलैंड आप आ रहे हो या आने वाले हो या प्लान कर रहे हो। प्रोस के लिए मैं बहुत सारा अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना चुका हूँ भाई। थोड़े कॉन्स के बारे में बात करते हैं कि नेगेटिव साइड क्या है पोलैंड आने की। आई रियली होप कि आपका सेंटीमेंट हर्ट ना हो। तो गाइस मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, कि मेरा पर्पस ही वीडियो का ये नहीं है पोलैंड बेकार है मत आओ या फिर मैं तो आ गया हूँ। लोग ऐसे कमेंट करते हैं भाई कि तुम तो आ गए हो और दूसरे को बोल रहे हो कि मत आओ। एक्सपेरिमेंटल पीपल्स हैं, एक्सपेरिमेंटल। हाँ, हम तो भाई अपने पे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अपने लाइफ के साथ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ना करो और आप इस वीडियो पूरी एंड तक देखो तो आपको आ जाएगा समझ में। मतलब हमारा ये पर्पस नहीं है, क्लियर कर दे रहा है, हमारा ये पर्पस बिल्कुल नहीं है। मतलब बिल्कुल भी नहीं है भाई कि हम किसी को मना करें कि आप ना आइए या जो भी। पर हाँ, हम यहाँ पे 3-4 साल से हैं तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या कॉन्स क्या है यहाँ पे रहने की। तो ये भी बात करनी चाहिए भाई, कोई बात करता नहीं है पोलैंड की। और यूरोप में भी कुछ पोलैंड और यूरोप इन जनरल। हाँ, ऐसा ही नहीं है भाई खाली पोलैंड का ही। पोलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूरोप। ऑलमोस्ट हर कंट्री में पीपल का सेम मेंटेलिटी होता है। हाँ, सिमिलर प्रॉब्लम्स ही आप फेस करते हो एज इंडियन या एज अ ब्राउन पर्सन। तो वही बात करने वाले हैं भाई हम। लोकेशन देखिए, क्या लोकेशन है यार ये। वाओ, मतलब गाइस आई डोंट नो कि कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं, पर अमेजिंग लोकेशन। इस डैम का एक हिस्ट्री है कि यहाँ पे ना व्रॉकलो में 1977 में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, फ्लड, और पूरा व्रॉकलो आधा शहर डूब गया था भाई पानी के अंदर। तो उसके बाद इन्होंने ऐसा ऐसा डैम बनाया बहुत जगह पानी का लेवल कंट्रोल करने के लिए, निकाल के कुछ जगह मिल जाती है। तो गाइस सामी ऐसे सर्च करते रहता है खाली टाइम में व्रॉकलो के अंदर, व्रॉकलो के आसपास कहाँ हम जा सकते हैं। बस हम यहाँ पे 4 साल से और हमें ऐसा लगता है ना कभी कभी कि सब कुछ देख लिया है। मतलब कहीं जाने को ही नहीं है, कुछ करने को ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोकेशन भाई पहली बार आ रहे हैं 4 साल में ना, और काफी अच्छा लग रहा है भाई यहाँ से। देखो, गेट बंद करने का कहाँ है, लेकिन लगता भी गेट खुला हुआ है। गेट तो होगा भाई, लगता नीचे तो उठता होगा। और अगर बाढ़ आई और ये वीडियो नहीं बन पाई तो देख लेना आप लोग यार, थोड़ा थोड़ा फंड रेस करते। तो गाइस बातें ज़्यादा हो गई, अब मेन टॉपिक बात करते हैं वीडियो के। तो पहला पॉइंट होने वाला है कि लैंग्वेज बैरियर। ये एक बहुत ही बड़ा, अरे यार मच्छर यहाँ पे भी आ गए मेरे पीछे, देख रहे हो, अभी तो नहीं थे साले, इंसानी को देख के आ जाते हैं, मुझे ही देख के आए। तो गाइस लैंग्वेज बैरियर आपको सुनने में ऐसा लगेगा ठीक है यार देख लेंगे क्या है, ऐसे इंडिया में तो हिंदी बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं। पर आप जब यहाँ पे आओगे ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं जब यहाँ पे आया था या सामी भी आया था, तो हमें लगा था भाई इंग्लिश तो एक ऐसा, जब आप इंडिया में रहते हो यूनिवर्सल लैंग्वेज। हाँ, बस 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 वही, आप जब इंडिया में रहते हो ना तो हमें ऐसा मूवीज देखते हैं हॉलीवुड की या जो भी, तो ऐसा लगता है भाई इंग्लिश सब बोलते हैं भाई, वर्ल्ड के इंडिया के बाहर जाओ तो सारे इंग्लिश बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे यूरोप में बेसिकली लैंग्वेज का एक बहुत बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली इन पोलैंड, कि यहाँ पे आप इंग्लिश सोच के आओगे कि इंग्लिश से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला भाई। स्टोर पे जाओ, आप कहीं भी जाओ, जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलो, तो मैंने टैक्सी बुक करी उबर, तो टैक्सी ड्राइवर आया, बोला हेलो वेर आर यू, तो बोल रहा है सोताम की, मतलब ऐसे करने लगा वो, इंग्लिश नो इंग्लिश। मैं बोला भाई साहब, एकदम यही रिएक्शन था मेरा भाई साहब। मतलब गूगल ट्रांसलेट एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है भाई, वो आप डाउनलोड कर लो। पर इन जनरल आपको दिक्कत आने वाली है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर इन यूरोप या फिर पोलैंड या कहीं भी यूरोप में। हर कंट्रीज़ के अलग अलग लैंग्वेज हैं, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि अलग अलग स्टेट्स हैं उनका अपना लैंग्वेज होता है, या फिर पर इंडिया में होता है कि हिंदी से काम चल जाती है। तो ओनली यंग पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, 40+ लोग तो भाई बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते यहाँ पे। तो आपको एक ये प्रॉब्लम लगेगी और हमें आज भी लगती है भाई, हम यहाँ पे 4 साल से हैं और आज भी ऐसा लगता है। बेसिक पॉलिश वर्ड्स पता है, जिससे हम काम चला लेते हैं। A1 होगा, हमारा लेवल A1 भी नहीं है। आप जब इंडिया से आओगे आप सोचोगे ठीक है भाई वहाँ पे पोलैंड में लोग पोलिश बोलते हैं तो हम सीख लेंगे लैंग्वेज, तो भाई सीखनी इतनी आसान नहीं है। स्पेशली आप जब एक 20-25 साल के आप हो गए हो और कोई भी नया स्किल या फिर आपको पता ही है नया लैंग्वेज सीखना स्पेशली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आओगे अपने वर्क के लिए या फिर स्टडीज़ के लिए तो इतना टाइम हो नहीं पाता भाई कि आप एक प्रॉपर लैंग्वेज क्लास ले रहे हो हर दिन। इन द एंड वो आपके डेडिकेशन के ऊपर है भाई, कि अगर आपको यहाँ पे अपना लाइफ सेट करना है, यहाँ पे लॉन्ग टाइम रहना है, आपको PR वगैरह लेना है,
तब तो लैंग्वेज मस्ट है। और अगर आप सोच रहे हो खाली स्टडीज के लिए जाते हैं, पढ़ाई खत्म करेंगे, दो साल जॉब करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई कहीं और जाएंगे किसी इंग्लिश कंट्री या फ्यूचर में मास्टर्स वगैरह के लिए, फिर उस केस में पोलैंड काफी अच्छा ऑप्शन है। भाई हम शॉप पे जाएं और पानी का बोतल खरीदे तो वहाँ पे लिखा रहता है गैस वाना नहीं है गैस वाना, गैस वाटर विदाउट गैस वाटर। तो हम भाई मैं तो कितनी बार गैस वाटर ले लिया, मैं बोला ये क्या है, तो सोडा है यार, मतलब जैसे सोडा होता है स्पार्कलिंग वाटर, वही जैसे सोडा होता है ना इंडिया में, हाँ वही, चीनी की जगह नमक ले लिया, नमक की जगह चीनी, और लैंग्वेज समझ में आए ना कि मतलब क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ट्रैवल भी कर रहे हो, हर जगह साइन बोर्ड वगैरह पोलिश में है, और मैं तो रिसेंटली अभी ड्राइव करना शुरू करी है पोलैंड में, तो उसमें भी काफ़ी कभी कभी दिक्कत आती है भाई, बिकॉज पोलिश में लिखा रहता है वो साइन बोर्ड पे वगैरह, और हमें समझ नहीं आता भाई क्या लिखा हुआ है। तो ये एक लैंग्वेज बैरियर आपको सोच के आना कि है, और वो आप फिर देख लेना। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। तो आप जैसे स्टडी अब्रॉड का सोचते हो तो एक पहला दिमाग में तो ये आता है कि वर्ल्ड के भाई टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, ग्रेजुएट होंगे तो एक बहुत हाई पेइंग जॉब लगेगी, ये पोलैंड में रह के आपको नहीं मिलने वाला है। सो गाइस पोलैंड यूनिवर्सिटीज़ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी नहीं है भाई, काफ़ी अच्छी हैं, दे आर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, फीस उतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप या यूएसए या यूके कनाडा। 400 के आसपास वर्ल्ड रैंकिंग पोलैंड यूनिवर्सिटी की स्टार्ट होती है, और आई थिंक पहला है जैगनोलिया यूनिवर्सिटी क्राकू में, और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो है शायद, राइट? हाँ, और वो रैंकिंग 500 से स्टार्ट होती है भाई। एक्सपेक्टेशन होगी भाई हम तो जा रहे हैं वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में, वैसे आप उस लायक भी होने चाहिए टू बी ऑनेस्ट, राइट? मतलब ऑनेस्टली ये तो भाई हम उस लायक नहीं है, हम भाई बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, नहीं तो अगर एवरेज नहीं होते तो भाई हम किसी इंडिया में IIT या कुछ अच्छा मतलब कर रहे होते। ये नहीं कि यहाँ पे अच्छा नहीं कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे रिग्रेट कर रहे हैं पोलैंड आ गए या जो भी, और मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो मैं ये बोलता हूँ भाई कि रैंकिंग उतनी मैटर नहीं करती है, स्पेशली यहाँ पे यूरोप में। यहाँ पे जो बंदा भाई एक प्राइवेट कॉलेज से भी ग्रेजुएट हो रहा है, वो भी सेम ही कॉलेज में जा रहा है, सेम ही जॉब कर रहा है जो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से आ रहा है, तो क्या डिफरेंस हो गया भाई मेरे में आपके में? मतलब इंडिया में ऑन फील्ड ज़्यादा फर्क पड़ता है, बिकॉज इंडिया में अगर आप IIT से हो या IIM से हो किसी अच्छे कॉलेज से हो तो आपका अच्छा पैकेज मिलता है भाई सैलरी वगैरह, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलती है आपकी जॉब में वो आपके स्किल के ऊपर है, yes. कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, क्या स्किल है, कितना डेडिकेशन है, तो मैटर हाँ मतलब वही डिग्री मैटर करती है, पर उतना नहीं है जैसे इंडिया में, तो इंडिया में कॉलेज का नाम है भाई, कंपनियां लगा देती है कि अंडर 80% तो अप्लाई नहीं कर पाते लोग, इंटरव्यू नहीं दे सकते। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर तुम्हारे 60 भी आएंगे यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, और तुम दे भी सकते हो और हो सकता है तुम्हारी लग भी। जो बंदा 5 भी लाया या 10 भी लाया है वो सेम ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, इंटरव्यू में डिपेंड करता है आप कितना क्रैक कर सकते हो या क्या आपका, अगर आपके पास एडिशनल स्किल ज्यादा है यूनिवर्सिटी के अलावा तो इंडियन प्रोबेबली कि तुम्हें मिलेगी, मिल जाएगी जॉब। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा है कि डिग्री भी खराब है, आता भी कुछ नहीं है, तो फिर कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे पोलैंड में या यूरोप में जनरल या कहीं भी इंडिया से बाहर जॉब के लिए यू शुड हैव एटलीस्ट फ्लुएंट इंग्लिश, कि आप इंग्लिश बोल सकते हो भाई फ्लुएंट या समझ सकते हो, मतलब भाई आपकी इंग्लिश B2 तो होनी चाहिए, वो तो आई थिंक पोलैंड का आप जब एडमिशन करोगे ना तो बाय लॉ वो रिक्वायरमेंट है कि B2 आनी चाहिए भाई गवर्नमेंट। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करिए, आप अपना इंग्लिश IELTS वगैरह प्रैक्टिस करके आइए या फिर इंग्लिश का कोई सर्टिफिकेट लेके आइए, तो ये हेल्प करता है आपको जॉब वगैरह में भाई, आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ आई कैन स्पीक इंग्लिश और मैं इंटरव्यू वगैरह क्रैक कर सकता हूँ। गाइस अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोलैंड की यूनिवर्सिटीज़ बेकार है या फिर कॉलेज की रैंकिंग अच्छी नहीं है, पर जो रियलिटी है मैंने बता दी, और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल IIT जॉब में अगर आप किसी बेकार कॉलेज में भी लेसे आप गए किसी प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पोलैंड में, तो आती है लैंग्वेज वगैरह प्रोग्रामिंग, तो आपको जॉब मिल जाएगी भाई, उसकी टेंशन नहीं है। अब सेकंड पॉइंट का एक और मुझे सब पॉइंट याद आ गया, वो ये है, तो गाइस जैसे इंडियन कॉलेजेस में होता है कि कंपनीज आती है कैंपस प्लेसमेंट, तो पोलैंड और यूरोप में इन जनरल ऐसा कोई ऐसा कल्चर नहीं है कि कंपनीज आएंगी और मास रिक्रूटमेंट होगा, 100% कैंपस प्लेसमेंट, 1 करोड़ की सैलरी है, वो सब यहाँ पे नहीं होता भाई। यहाँ पे आपको बस कॉलेज में वाले एडमिशन देंगे, आपको कोर्स पढ़ाएंगे पूरा, आप ग्रेजुएट हो जाओ तो कॉलेज को आपसे मतलब नहीं है ना आपको कॉलेज से मतलब है, और आपको जॉब खुद ढूंढनी है। किसी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कंपनीज का लिंक होता है, बेस्ट एग्जांपल है कोज़्मिंस्की, कोज़्मिंस्की यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी मैनेजमेंट या MBA या जो भी, उनके पास कॉलेज का कंपनी का टाइज है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कुछ कैंपस प्लेसमेंट, और सिर्फ किसी कॉलेज में ऐसा यहाँ पे नहीं है भाई। इंस्टाग्राम वगैरह मैसेज करते हैं कि उत्कर्ष प्लीज़ टेल मी मेरे को यहाँ एडमिशन मिली है, इसमें कैंपस प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पे पोलैंड में इन जनरल वो कल्चर नहीं है भाई कि कॉलेज में कंपनियाँ हैं और फिर मास रिक्रूटमेंट हो, वो सब नहीं होता यहाँ पे। सो यू आर ऑन योर ओन, आप ग्रेजुएट हो जाओ तो आपको फिर खुद से भाई जॉब ढूंढनी है, आपको खुद से सब कुछ करना है, अप्लाई करना है जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए। यू कैन रीच आउट टू इंटरनेशनल ऑफिस इन द यूनिवर्सिटी और वो कुछ आपको हेल्प कर सकते हैं, अपना CV बनाओ या कैसे आप अप्लाई करो या इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने भाई जॉब हमारी लगी है, वीडियो आएगी भाई कुछ दिनों में और जॉब की, मैं कहाँ वर्क कर रहा हूँ, हमने खुद से अप्लाई करा, खुद से इंटरव्यू फोड़ा, बेंच मत पैसा छाप रहे हैं, मतलब 5-5 लाख रुपये महीना, ये पहाड़ से आ रहा है भाई सीधे, ये भाई नदी है तो नदी ये भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ गंदा पानी चलता है, पता नहीं। तो गाइस बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट का, तो तीसरा पॉइंट ये है जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो तुम्हें क्या लगता है पोलैंड में ऐसे बहुत ही एम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है या कम है या लिमिटेड है या लैंग्वेज का बैरियर है उसमें भी?
देखिए गाइस, यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है अगर आपको पोलिश कंपनी में अप्लाई करना है। लेकिन द बेस्ट थिंग यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी है, मे बी स्विट्जरलैंड की, फ्रांस की, यूएस की, यूके की, इनके ऊपर अगर तुम यूरोप के इस कंट्री से बाहर जाओगे दे विल रिक्वायर कि तुम्हारे को उनकी भाषा आए। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे तुम्हारी इंग्लिश भी आएगी तो भी देर अच्छी इंग्लिश भाई। हाँ, अच्छी, हाँ ये भी है, अच्छा इंटरव्यू में वो अच्छी लगती है, अच्छे खासी लग जाएगी। लेकिन अगर आती है तो तुम्हें जॉब मिल सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, भले तुम्हें लैंग्वेज आती हो या नहीं आती हो। मोस्टली यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं इंडियंस उनको नहीं आती है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है पोलिश लैंग्वेज तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू अ नेटिव पोलिश स्पीकर। अगर आप जॉब की अप्लाई कर रहे हो किसी ऑनलाइन वेबसाइट से तो उनके डिस्क्रिप्शन में रिक्वायरमेंट में लिखा रहता है, फर्स्ट पॉइंट होता है भाई पोलिश प्लस सम अदर यूरोपियन लैंग्वेज प्लस इंग्लिश। मतलब अगर आपको पोलिश नहीं आती है तो आपको ऐसे नहीं लगेगा भाई आप वहाँ मार खा गए। फाइनेंशियल बिजनेस बैंकिंग में आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए भाई कम से अच्छे से एकदम फ्लुएंट इंग्लिश। इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हमारा बैक ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस होता है तो हमें कोई नहीं रखेगा। यस एंड सेम गोज फॉर पार्ट टाइम जॉब, अगर आपको पोलिश नहीं आती है तो पार्ट टाइम जॉब में भी आपके लिए ऑप्शन थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे। आप फिर फूड डिलीवरी कर सकते हो या फिर मैकडॉनल्ड्स वगैरह कर सकते हो। मैं तो करता था भाई ऑनेस्टली मैकडॉनल्ड्स में पार्ट टाइम जॉब, तो मैंने मैकडॉनल्ड्स में कम से कम एक साल से ऊपर काम करा है भाई। मतलब बहुत लोग ऐसे मुझे पूछते हैं भाई कि उत्कर्ष मुझे पोलैंड आना है एज ए फुटबॉलर बनना है, तो उसके लिए आपको फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी भाई। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इन द एंड। तो ये भाई थर्ड पॉइंट भी हो गया। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेन जंगल में, सोचा भाई थोड़े लोकेशन चेंज करते हैं तो पता नहीं कैसी क्वालिटी आ रही होगी। तो आप हाँ थोड़ा मच्छर कटवा लें, लास्ट वीडियो में कटवाए थे तो यही है। तो अब गाइस बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, और फोर्थ और ये मेरा फेवरेट पॉइंट है भाई बात करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। सैलरीज इन पोलैंड, कुछ बोलना चाहोगे इस पे? साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, प्रूव हो गया अभी। थोड़ा नेगेटिव या जो भी बोल लो आप वो है कि सैलरीज यहाँ पे, सैलरीज आप सोचोगे ना, हम इंडिया में रहते हैं तो देखते हैं भाई कोई अब्रॉड जा रहा है तो ऐसा लगता है भाई बहुत सैलरी मिल रही है भाई, 5-10 लाख एकदम छापेंगे, पैसा छापेंगे एकदम, गाड़ी लेंगे, घर लेंगे। गाइस हम ऐसे चले जा रहे हैं अंदर जंगल में, वहाँ से पता नहीं कौन मिलेगा अंदर हमें। ऐसे लोग अपना पार्टी कर रहे हैं अंदर भाई, समझ रहे हो ना, आलू भूख रहे तो हाँ ये बोल रहा था कि हम जब इंडिया में रहते हैं ना और देखते हैं कोई अब्रॉड जा रहा है या फिर सुन के लगता है ना अब्रॉड तो लगता है भाई पैसा। मैं तो पहले मेरे दिमाग में ही आता था भाई मैं इंडिया में था तो, पर यहाँ पर पता चला कि पैसे आप यहाँ छाप सकते हो पर इतना आसान नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरीज है स्पेशली एज अ फ्रेशर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है 5-10 साल का तब तो आप जो एवरेज सैलरीज हल्का ऊपर ही कमाओगे, बहुत ऊपर नहीं कमाओगे। आप देख लेना इंटरनेट पे कि पोलैंड की अभी एवरेज सैलरी क्या है, एवरेज जो मिनिमम वेज है यहाँ पे वेज अराउंड 3,000 zloty है बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स नहीं, उसमें टैक्स कटता है भाई। ग्रॉस दे रहे हैं 2,000 ही मिलेगा हाथ पे तुम्हें आराम से, फिर होगे तुम और क्या। दिस इज नॉट यूएस, दिस इज नॉट कनाडा, दिस इज नॉट नीदरलैंड, दिस इज नॉट फ्रांस इटली ब्रो, दिस इज नॉट जर्मनी। पोलैंड हैज पोलिश स्लॉटी जो कि यूरो के कंपैरिजन में बहुत ही नीचे है भाई। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सोचोगे कि भाई पोलैंड में ग्रेजुएट होंगे फिर जॉब लगेगी, 5 लाख महीना कमाएंगे, 10 लाख महीना कमाएंगे, गाड़ी ले लेंगे 2 महीने में, रेंट घर ले लेंगे, अपार्टमेंट, तो वो सब आप ले सकते हो बट इट विल टेक टाइम। इफ यू वांट टू स्टे इन पोलैंड फॉर लॉन्ग टर्म तो उसमें भाई टाइम अच्छा खासा लगेगा वो सब अचीव करने में। 5,000 zloty तुम्हारा शौक तो पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है शौक, अगर आपको छोटे शौक है। इफ यू आर वर्किंग इन अ इंटरनेशनल बैंक, ठीक है अभी इंटरनेशनल बैंक और इंटरनेशनल कंपनीज, देन यू विल बी अर्निंग वे मोर देन कंपनीज इन पोलैंड इफ यू आर अ फ्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल बैकग्राउंड्स। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लोगों की सैलरी देखोगे, आप चेक कर सकते हो नेट के ऊपर, अगर आप किसी स्विट्जरलैंड, फ्रांस के बैंक को देखो, लंदन को देखो, बैंक नहीं मतलब कोई भी कंपनी देखो, हम तो बैंक में काम करते तो बैंक निकलता रहता है। हाँ तो अगर कहीं भी करेंगे तो अगर आपकी आप एवरेज सैलरी देखेंगे हमारी कंपैरेटिवली, हम बताएंगे नहीं कितनी है, लेकिन स्टिल वी आर अर्निंग एटलीस्ट 2,000 या 1,500 मोर लोगों से जो यहाँ कमाते हैं। प्यारी लोकेशन है भाई ये, भाई ये तो ऐसा कहीं बाहर आ गया यार, पोलैंड की माउंटेन वगैरह भी देखो, वॉक करते हुए आ रहे हैं और ये पूरा बहुत ही बड़ा फील्ड है यार ये, यहाँ पे तो भाई यहीं पे शूटिंग हुई है मूवीज की भाई। तो हमारा पॉइंट ये गाइस कि एज अ फ्रेशर अगर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है लाइक 4-5 ईयर्स का या 10 ईयर्स का, जो एवरेज लोग कमाते हैं यहाँ पोलैंड में 3,000 zloty, उससे हल्का ऊपर कमाओगे, बहुत ऊपर नहीं कमाओगे, उसमें भी आपको टैक्स भरना होता है। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, इन द सेंस कि हर महीने आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी सैलरी से पैसे काटेगा फॉर पेंशन, फॉर डिसेबिलिटी, फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, अभी 3-4 क्राइटेरिया है भाई। फिर सैलरी आती है और ग्रॉस इतनी है भाई और कट पिट का आ जाता है अकाउंट में तो डिसमाउंट हो जाता है ना 1,200, मेरा 1,600 के आसपास कटता है भाई। पोलैंड में तब भी कम है, इफ़ यू गो टू जर्मनी, इफ यू गो टू मोर वेस्टर्न यूरोप तो हाँ तो 30-40-45% तक टैक्स जा सकता है भाई। तो ये सोच के आना है एज अ फ्रेशर कितनी सैलरी मिलेगी और आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपको इंडिया से डायरेक्टली जॉब मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन पोलैंड, अगर आपको कोई कंपनी हायर कर रही है इंडिया से तो आप आ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रही है पोलैंड में इंडिया कंपैरिजन में, आपकी सेविंग क्या होगी इन द एंड, बिकॉज लोग सोच के आते हैं अरे भाई इंडिया में तो 50,000 कमा रहे हैं और पोलैंड में सैलरी मिल रही है 2 लाख,
मतलब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके, और ऊपर से क्या एक्सपेंसेस है यहाँ पे, बिकॉज जो मनी की परचेजिंग पावर है वो इंडियन रुपीस की डिफरेंट है। अगर आप इंडिया में 1 लाख कमा रहे हो 1000 INR पर मंथ आफ्टर टैक्सेस, और पोलैंड में आप कमा रहे हो आई थिंक 2-2.5 लाख, तो आपकी लाइफ स्टाइल सेम होगी, आपकी सेविंग भी अराउंड सेम होगी। आई थिंक मेरे को लगता है जो इंडिया ज़्यादा सेव कर लेगा, और भी उठा लेंगे सामने ऐसे ही करता। आपको ये सोच के आना है कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको कितना इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ फीस, ट्यूशन फीस 3 साल में 4 साल में या मास्टर्स में 2 साल में, और उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिल रही है, तो आप ये सोच के आना एंड देन यू कैन डू योर मैथ। आई नो सम पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम IT फील्ड, मतलब IT में काम करते हैं, 5-10 साल की एक्सपीरियंस है पहले से इंडिया में, उनको यहाँ पे जॉब मिली एंड दे आर अर्निंग लाइक 3 लाख 4 लाख 5 लाख इंडियन रुपीस पर मंथ। जितना ज्यादा कमाओगे उतना ऊपर टैक्स भी बढ़ते जाता है। भाई थोड़ा पकड़ी लो यार, थोड़ा हाथ को आराम मिले, बहुत भारी नहीं, भारी कितना है। चलते चलते बात करो, चलो ये अच्छी व्लॉगिंग होगी। भूल गए क्या भाई, यहीं पे यार ये काट दूंगा मैं, मगर मत। तो गाइस हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, तो हमारा 5वां पॉइंट ये है वीज़ा। जब इंडिया में होते हो तो सोचते हो स्टडी अब्रॉड, तो उस पॉइंट पे बहुत लोग नहीं सोचते हैं वीज़ा के बारे में, मुझे पता है क्योंकि मैं भी उसी पॉइंट पे था जब इंडिया में था मैं, तो मुझे लगा था ठीक है भाई, एक बार कॉलेज का सबसे हार्ड प्रोसेस है, एडमिशन हो गई, बहुत सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है, तो एडमिशन हो गई तो हम सोचते नहीं उतना वीज़ा के बारे में कि वीज़ा क्या होगा। इंडियन पासपोर्ट इज़ नॉट वेरी पावरफुल पासपोर्ट, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया पासपोर्ट से आप यूरोप आ गए, वीज़ा US चले गए, कनाडा चले गए, आप थाईलैंड भी नहीं आ सकते हो बिना वीज़ा के भाई। तो हम ऐसे कुछ भाई फर्जी बात नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट्स की बात करते हैं। तो इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू है 87th इन द वर्ल्ड। पोलैंड का वीज़ा स्पेशली इन द रीसेंट डेज, इतने लोग आते हैं भाई, और लोगों के पर्पस मोटिवेशन अलग अलग होते हैं पोलैंड आने के लिए। मतलब मेरे अपने एक्सपीरियंस है या जो भी मेरे को लोग मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करो, क्वेश्चन भेजो, मैसेज करो, जो भी करो। पोलैंड का वीज़ा है इतना आसान नहीं है, मैसेज करते हैं हर दिन कि उनका वीज़ा भाई रिजेक्ट हो गया, उन्होंने लोन लिया या फिर क्रेडिट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, और फिर उनको लंबी सी चिट्ठी मिल जाती है कि योर पर्पस ऑफ स्टे इज नॉट जस्टिफाइड या आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इज नॉट। मेरे को लगता है भाई पर्सनली बकवास है। आपको अगर कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला हुआ है, आपका एक जो हिस्ट्री है, आपका ऐसा कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है 10-15 साल का एजुकेशन में या जो भी, तो वीज़ा तब नहीं देना इज़ लाइक को, तो ऐसे सब बकवास लगता है बोगस। जो पता नहीं एग्जैक्टली कैसे काम करती है एम्बेसी या उनका क्या रूल है अंदर इंटरनली, मुझे लगता है कि उनको ऐसा फिक्स है कि इस इंटेक में इतना ही वीज़ा देना है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पोलैंड इज नॉट वेरी इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री इन द सेंस, यहाँ पे भाई TRC कार्ड से भी तो या जो बता रहा हूँ मैं वीज़ा उतना स्मूथ नहीं है लाइक अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जो उजोन होते हैं, जो ऑफिस होते हैं म्युनिसिपल ऑफिस, वहाँ पे कुछ भी काम इतना आसान नहीं, स्पेशली फॉर TRC। मैं तो इतना वीडियो बना चुका हूँ TRC के बारे में, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट। मतलब टाइम लगता है हर चीज़ में भाई, तो मुझे लगता है इन द सेंस यही है कि वीज़ा भी उनको पता होता है कि इतना ही देना है, और इसके ऊपर आपको फिर वो फालतू का आपके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ परफेक्ट भी है तब भी फालतू का एक दे देंगे चिट्ठी कि योर वीज़ा इज रिजेक्टेड और आपका हो गया जो भी, उसके बाद आप रीअपील कर सकते हो, रीअपील के बाद वीज़ा मिलता है बहुत लोग को। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि आप रीअपील करो। एक बार आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो गया, जैसे मान लो आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक सामने दे रहा है, एक बार वीज़ा हो गया भाई रिजेक्ट, अब तो पोलैंड नहीं आना या प्लान चेंज कर लेते हैं, वो आपके ऊपर आप कर सकते हो, बट इज़ ऑलवेज गुड टू रीअपील। मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों जानता हूँ जिनका पहली बार में आया था रिजेक्शन और रीअपील के बाद उनको वीज़ा मिल गया भाई, तो ऐसा भी होता है, सो यू कैन ट्राई योर लक। वर्स्ट केस आपका पोलैंड का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, 2 बार रिजेक्ट हो गया, तो आप हिम्मत मत हारो, दे आर अदर बेटर यूरोपियन कंट्रीज, बेटर नहीं बोलूंगा बट दे आर ऑल्सो अदर यूरोपियन कंट्रीज, जैसे लातविया हो गया, लिथुएनिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, अभी बहुत लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हंगेरी वगैरह जा रहे हैं लोग। मतलब मैंने वहाँ पे पढ़ाई नहीं करी है, मैं वहाँ पे रहा नहीं हूँ, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। भाई मशरूम है ये, तो गाइस हमने फाइनली एक मशरूम प्राप्त किया। अरे यार मार दिया यार तुमने, अबे इसको हम खा सकते थे पता है, ये खाने वाला मशरूम है। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द 6th पॉइंट। तो 6ठा पॉइंट ये है कि लोकेशन, सो पोलैंड एज यू गाइस नो इज इन यूरोप, और यूरोप भाई इंडिया से दूर है, सो एट टाइम्स यू कैन मिस योर फैमिली। आपको भाई ऐसे कोई फेस्टिवल होगा या कोई भी कजन की शादी है, आपके घर में शादी है, मतलब ऐसा इन जनरल पॉसिबल नहीं होगा कि आप हर ओकेजन पे आप घर चले जाओ, ट्रैवल कर लो, और ट्रैवलिंग भी एक्सपेंसिव है भाई, द राउंड टिकट विल कॉस्ट यू अराउंड 40-50,000 INR इंडियन रुपीज। ये नहीं बोलूंगा इज वेरी बैड, बट जो पोलैंड की लोकेशन है इज इन यूरोप, इज इन सेंट्रल यूरोप, तो गुड थिंग ये है कि आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो अगर आपको यूरोप, आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। इन मेनी केसेज यू विल फील होम सिक, और आप होम सिक अगर फील करते हो तो आप ऐसा नहीं है कि भाई फ्लाइट बुक करो और इंडिया चले जाओ, बिकॉज ऐसा भी होता है बहुत बार कि आपके पास TRC नहीं है। मुझे याद है अभी भी सामी, झूठ मत बोलना, सामी जब नया नया पोलैंड आया था ना, लिटरली ही यूज टू क्राई एवरी नाइट, रोता था भाई, मैं बोला भाई ऐसा मत रो यार, हम यहाँ पे हैं, इट्स लाइक इंडियन पीपल हैं बहुत सारे पोलैंड में, यू कैन फील होमसिक, यू कैन फील लॉस्ट,
तो ये सब होता है भाई, तो आप उसके हिसाब से देख लेना कि आपको पूरे नाना नहीं आना है। तो गाइस फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द सेवंथ पॉइंट, और सेवंथ पॉइंट है भाई रेसिज्म। मैं इस पे पता नहीं क्या बोलूं बिकॉज ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो इन जनरल अगर आप इंडिया से बाहर आ रहे हो तो बाद में होगा रियलाइज कि इंडिया में लोग कितने अच्छे हैं। टू बी ऑनेस्ट मेरे एक्सपीरियंस में आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ रेसिज्म हुआ नहीं, बट आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। अभी रिसेंटली लाइक 1-2 मंथ्स अगो व्हाट्सएप में एक बहुत ही बड़ा हुआ था भाई रेसिज्म इंसिडेंट टू वन ऑफ माय इंडियन ब्रदर्स। मतलब इन जनरल मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि लोग यहां पे उतने ओपन माइंडेड नहीं है, एंड इन सम केसेस आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप रात में कहीं बाहर गए या फिर आप किसी क्लब वगैरह में गए, ऐसा जो हुलिगन होते हैं ऐसे गुंडे टाइप के लोग, वो आपको पीट दिए या फिर आपको कुछ बोल दिए भाई चार नहीं करूँगा या कुछ भी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो गाइस फेसबुक वगैरह पे यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं और उसमें मैं हर दिन ऐसा कुछ नया पढ़ता हूँ कि किसी के साथ ऐसा हो गया रेसिस इंसिडेंट, तो फिर आगे क्या करें या जो क्या ना करें। आप जैसा देखते हो ना हॉलीवुड मूवीज में या फिर सीरीज वगैरह में कि आप अब्रॉड जा रहे हो लोग इतने चिल हैं, इंग्लिश कंट्रीज यूएस कनाडा ये सब में लोग सही में बहुत चिल हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली ओवर फ्रेंडली पीपल। पोलैंड में इन जनरल आपको ऐसे ओवर फ्रेंडली लोग नहीं मिलेंगे भाई, ऐसा बहुत बार हो सकता है। स्पेशली आई हैव हर्ड अबाउट वॉर्सो द कैपिटल, वहाँ बहुत सारे ऐसे नेबरहुड है जहाँ पे उतना सेफ नहीं है, स्पेशली इफ यू आर ब्लैक पर्सन ऑफ सम कलर ब्राउन हमारे तरह इंडियन। रिसेंटली या 2 महीने पहले हुआ था कि वॉर्सो में एक इंसिडेंट हुआ था कि रोड चलते ही भाई गाली दे रहा है बंदे इंडियन को, क्या कर रहे हो। चीजें आपके साथ हो सकती है, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड और फिजिकली प्रिपेयर्ड एज वेल। यहाँ के लोग ऐसे मुंह से कुछ भी बोल देंगे आपको तो आधा बात समझ नहीं आएगी बिकॉज वो पोलिश में बोलते हैं, तो वो तो मेरे को अच्छा लगता है भाई कि मेरे को पोलिश नहीं आती है तो मुझे गाली दे दो, मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या बोल रहे हो। ऐसा हो जाएगा भी आपके साथ फिजिकल बात आ गई ऐसे मारपीट की तो गांड तो फाड़ देना भाई, मुंह हाथ तोड़ देना, मतलब ऐसा नहीं करना है। हम तो महात्मा गांधी तो है नहीं भाई, गाल पे मारोगे तो हम दूसरा कर दें। तो ये बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा दब के नहीं रहना भाई, आप यहाँ पे आ रहे हो आपने पे कराया हर चीज के लिए, कॉलेज के लिए, वीजा के लिए, फ्लाइट के लिए। गाइस मेरे एक्सपीरियंस में मैं स्टार्टिंग में जब पोलैंड आया तो मुझे लगा यार कि इंडिया में इतने फ्रेंडली लोग, तुम किसी से बात कर लो ऐसे रोड पे जाके कुछ भी हेल्प कर दें, तो यहाँ पे लोग थोड़ा एज अ फर्स्ट प्लेस से आपको थोड़ा ऐसे हिचकिचाते हैं। ठीक है अच्छे लोग होते हैं भाई हर जगह, पर इन जनरल यहाँ पे लोग उतने फ्रेंडली नहीं है एंड आपके साथ रेसिज्म वाला इंसिडेंट हो सकता है, होता है यहाँ पे, रियलिटी ये है भाई। तो दैट्स व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा शहर चूज करो, एक अच्छा लोकेलिटी, अच्छा नेबरहुड चूज करो फॉर लिविंग। यहाँ पे जो यंग जनरेशन है आई एम प्रीटी श्योर दे विल ब्रिंग द चेंज, दे लाइक टू हैंग आउट विद फॉरेनर्स, दे लाइक टू मेक फ्रेंड्स। ऐसा होता है कि जो ज्यादातर यहाँ पे हुलिगन टाइप के लोग होते हैं, गुंडे टाइप के, नेशनलिस्ट टाइप के लोग, तो आपको पीट सकते हैं भाई, और होता है भाई, रियल में होता है। पूरा वास्ता हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं भाई, बाय गॉड ग्रेस हम सेफ हाथों में हैं। मैं तो ऐसे ही चलता हूँ भाई रोडों पे कि भाई देखो तुम मुझे मारो तो मैं तो खाड़ूंगा तुम्हारा, मैं ऐसा नहीं हूँ भाई कि तुम मार दो या बोल दो तो मैं ऐसे चुप रह जाऊँ। तो मेरे साथ तो कैमरा होता है हर टाइम, तो शायद इसलिए नहीं हुआ मेरे ऐसा कुछ, अच्छे बहुत काट रहे हैं, चलते हैं भाई। तो आपको इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आना है इंडिया से कि भाई अगर आप इंडिया से अपने घर छोड़ के जा रहे हो तो ऐसा होता है ना कि घर छोड़ के जा रहे हो तो आपका सेफ्टी तो पहले वहीं खत्म हो गया। तैयार होकर आना है कि इन द एंड ये आपका कंट्री नहीं है, ये आपका देश नहीं है, आप यहाँ पे अपने पर्पज को देखिए, आप किस लिए आए हो यहाँ पे, जो भी अपना गोल मोटिवेशन जो भी अपना पूरा करो अचीव करो, और फिर अगर आपको यहाँ पे सेटल होना है तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है भाई, तो सोच लियो कि आपको यहीं पे रहना है तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आप अगर इनकी लैंग्वेज बोलो तो इतने खुश हो जाते हैं ना ये कि भाई हमारा ऐसे कोई लैंग्वेज की उतनी वैल्यू करता नहीं है वर्ल्ड में और तुम्हारी लैंग्वेज सीख रहे हो, इनको अच्छा लगता है। बेसिक सीख लो ताकि आप बात कर सको लोगों से ऐसे स्ट्रीट पे, या अगर आपको कुछ काम करना है, आप कहीं शॉप पे जा रहे हो दबरे बोल दिए जिंकू या थैंक यू बोल दिए, तो इनको अच्छा लगता है यार कि अरे मेरी लैंग्वेज बोल रहा है मतलब सीख रहा है। ऐसा नहीं करना कि अरे भाई हम तो इंग्लिश बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलेंगे यहाँ पे आगे यार, आप यहाँ पे इनकी कंट्री में आओ ये भी रिस्पेक्ट करो बिकॉज इन द एंड ये इनकी कंट्री है भाई। हमें पता है कि मतलब कैसे एरिया में कैसे बिहेव करना है, जैसे यहाँ पे हम कैसे कुछ कर सकते हैं भाई, थोड़ी बकचोदी खुला है कोई नहीं है, पर ऐसे रोडों पे ऐसे करोगे तो लोग देखेंगे भाई, पहले ही देखेंगे क्या भाई इंडिया से आया तो कहाँ से आया भाई, वापस जाओ भाई अंधेरा ऐसा हो गया यार। भाई साहब भाई कोई है भी यहाँ पे, डर लगा भाई यहाँ पे कुछ हाँ मतलब इन द एंड आपको यही सोचना है कि यहाँ पे अब्रॉड आ रहे हो और आप अपने कंट्री को कर रहे हो रिप्रेजेंट। जैसे मैं गया सुपरमार्केट में, कोई चेंज नहीं लेता, मैं बोलता हूँ भाई तुम रख लो चेंज, हाँ मैं तो बोलता हूँ भाई तुम रख लो मुझे नहीं चाहिए चेंज, तो वो खुश आते हैं भाई अरे यार मतलब पैसा छोड़ दिया है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा मत लो अपना पर जस्ट समझ रहे हो ना। तो गाइस फाइनली मैं इस प्लेस को बोल रहा हूँ अलविदा, काफ़ी अच्छा जंगल था भाई, फिर कभी आएंगे यहाँ पे जंगल में बारबेक्यू और मंगल करने। तो अभी चलते हैं वापस अपने लोकेशन पे, फिर अपने गाड़ी पे जाएंगे और फिर देखते हैं भाई, भूख भी लगी है। मतलब क्या इसे बताऊं मैं, इस पे खुल के मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं यार, क्या ही बोलूं मैं। मतलब डेटिंग ऐप्स, टिंडर बड़ा बकवास है, डेटिंग ऐप्स उतने काम नहीं करते भाई पोलैंड में। मैं जब स्टार्टिंग में आया था ना इंडिया से, तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है भाई, इंडिया में बहुत चीजें एक्सपीरियंस नहीं की होते हैं, मैं खुल के बोलूंगा नहीं किया, अब्रॉड जाएंगे पोलैंड जाएंगे भाई इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां दिख रही हैं सब और टिंडर पे मैचेस वगैरह मिलेंगे, पर रियलिटी है कि कुछ नहीं मिलता भाई। मैं बहुत लोगों से मिला टिंडर पे, पर द पॉइंट व्हेन दे हियर कि यू आर फ्रॉम इंडिया, पहले पूछती हैं भाई आपकी चैट होगी ना टिंडर पे, तो नॉर्मल बातें चल रही हैं एकदम मस्त फर्स्ट क्लास एकदम लग रहा है भाई सब कुछ सेटअप, तो और जब पूछेंगी ना वे यू आर फ्रॉम, और मेरे साथ हुआ ये, मैं बोलूँगा आई एम फ्रॉम इंडिया, अनमैच, नो रिप्लाई, ब्लॉक, होता है भाई ये नहीं हुआ कि नहीं हुआ ये, हुआ था मेरे साथ पहले, हुआ हाँ हुआ है मेरे साथ भी हुआ है भाई, मेरे साथ तो इनफैक्ट बहुत ही बार हुआ है। मेरे को तो बहुत लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं भाई कि उत्कर्ष आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस और मैं पोलैंड आया और भाई यहाँ तो टिंडर पे मैचेस नहीं मिल रहे या कुछ नहीं हो रहा, मतलब बात नहीं हो रही, तो ये भी एक प्रॉब्लम है भाई। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं सोचा
इस वीडियो में अपने भाई लोग के लिए एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर ही देते हैं। मुझे पता है भाई मेरे बहुत सारे इंडियन भाई लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं एंड वी ऑल आर अराउंड द सेम एज, पर ये मेरे छोटे भाई लोग के लिए या फिर मेरे एज के, कि अगर आप ऐसा सोच के आ रहे हो कि बहुत सारे मैच वगैरह मिलेंगे ये मिलेंगे भाई, तो यू कैन बी डिसअपॉइंट। जब इंडिया से आ रहे हो तो अपना एक ओपन माइंडेड लेके आओ कि आई हैव टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करूँगा, कुछ भी ऐसा स्टिग्मा नहीं है, टैबू नहीं है, सब कुछ एक्सपीरियंस करूँगा जो भी मुझे करना है लाइफ में। और अपना गोल नहीं भूलना है भाई कि आप किस लिए आ रहे हो यहाँ पे, जो पर्पस है ना आपका आने का, जो भी अचीव करना है या फिर कॉलेज आपको एक डिग्री चाहिए, ग्रेजुएट होना है, जॉब करनी है या लाइफ सेट करना है भाई। मैं जब आया पोलैंड तो स्टार्टिंग में आई वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टेड, मतलब ऐसा लगा भाई 18 साल का बंदा आ गया, कुछ देखा नहीं है इंडिया में, मतलब चीज़ें एक्सपीरियंस करी नहीं है, ये भी करना है एक्सपीरियंस, क्लब जाने है, पार्टी करने हैं, सब मैं बहुत करी भाई। अभी करो, मैं नहीं बोल रहा मत करो भाई, आ रहे हो एंजॉय करो, जो भी करना है करो। मुझे लगा एक पॉइंट पे कि आई हैव लॉस्ट द पर्पस, कि मैं आया क्यों हूँ, वो जो मुझे रियलाइज हुआ तब भी कुछ नहीं किया मैंने और अभी वही करता हूँ मैं। तो मैं वीडियो इसी बात पे खत्म करता हूँ गाइस, दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। आप पोलैंड आओ भाई, अच्छी कंट्री है, एंजॉय करो। वीडियो से यही पर्पस था कि आपको थोड़ी नेगेटिव साइड या जो भी कॉन्स है ऑफ पोलैंड वो बताऊं, पर ये सब जो मैं पॉइंट बोला हूं वो सोच के आना एंड तब यू कैन मेक अ डिसीजन कि इस पोलैंड फॉर यू और नॉट। तो गाइस दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग। बहुत ही मच्छर कट हुआ है, फिर से अच्छी लोकेशन दिखाई आपको, और वीडियो अगर हल्की सी पसंद आएगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई। आई रियली होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं, लेट्स रीच 20K। थोड़ा स्लो ग्रोथ हो रहा है मुझे पता है, ग्रोथ इज ग्रोथ, मतलब आगे बढ़ रहा हूँ ना भाई। और मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में, फ्रॉम पोलैंड, पीस। और मिलते हैं भाई, पीस पीस, बाय बाय।